हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल एमी स्वाद में। आज की रेसिपी में हम देखेंगे कि नारियल के लड्डू कैसे बनाते हैं। ये नारियल के लड्डू हमने डेसिकेट कोकोनट से और कंडेंस मिल्क से बनाए हैं और ये घर पर आसानी से बन जाते हैं, फट से बन जाते हैं। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैंने यहाँ पर एक पैन को गैस पे रख दिया है और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। और मैं इसमें एक टेबलस्पून देसी घी डालूंगी। जब घी गर्म हो जाए तब मैं इसमें एक कप डेसिकेट कोकोनट लूंगी और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर रखेंगे और इसे एक मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। यानी कि हम इसे कलर चेंज नहीं करेंगे, इसका कलर व्हाइट है, व्हाइट ही रखेंगे हम। अगर हम इसका कलर चेंज करेंगे तो दिखने को अच्छे नहीं लगेंगे ये लड्डू। तो सिर्फ हमारा घी और जो कोकोनट है अच्छे से मिक्स हो जाए, इतना हम इसको भुनेंगे और जो इसका कच्चापन है वो भी थोड़ा सा निकल जाए। तो हम इसको अच्छे से एक मिनट तक लगातार भून लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली से बिना भुने हुए भी इसके लड्डू बना सकते हैं, लेकिन भुनने से क्या होता है, इसका जो कच्चापन है, जो थोड़ा सा जो स्मेल आती कच्चेपन की, वो निकल जाएगी और खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो एक मिनट तक हम इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। तो देखिए एक मिनट हो चुका है और ये हमने अच्छे से इसे भून लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें आधा कप मिल्क मेड कंडेंस मिल्क जो है वो डालूंगी। तो आधा कप डालूंगी पहले इसमें, अगर ज़रूरत पड़े तो और थोड़ा डालेंगे। और एक दो बूंद वेनिला एसेंस डालेंगे, जिससे कि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें। और एक चुटकी इलायची पाउडर, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप डायरेक्ट इसे एक कप दूध डाल के इसे पका भी सकते हैं और फिर इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक कप अगर डेसिकेट कोकोनट लेंगे तो आधा कप चीनी लेंगे और एक कप दूध, तो इस तरह से उसमें डाल के मिला सकते हैं। तो और थोड़ा हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरा आधा कप यहाँ पर कंडेंस मिल्क लिया है। मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से हमें कंडेंस मिल्क इतना ही डालना है, जिससे कि हमारे लड्डू आसानी से बन जाए। आपको जितनी छोटी बड़ी साइज लगती है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके लड्डू बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटी वाली साइज बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हम ये छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे और एक डिश में रखेंगे इन्हें। इसी तरह से हम सभी लड्डुओं को बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सारे लड्डू को बना लिया है। तो एक बाउल में 6 से 7 लड्डू बन जाते हैं। अब ये यहाँ पे हम सूखा ये नारियल का बुरादा लेंगे, यानी कि डेसिकेट कोकोनट लेंगे और इसमें इस तरह से रोल कर लेंगे। हल्के हाथों से रोल करेंगे और इन्हें इस तरह से झटक लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे इन्हें कोटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे डेसिकेट कोकोनट विद कंडेंस मिल्क के नारियल के लड्डू बनके तैयार है। और ये बनाना बहुत ही आसान है, ईजी है। आप इसे झट से बना सकते हैं। जब भी आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो स्वीट डिश में आप इसे बना सकते हैं।
और यकीन मानिए खाने में बहुत ही लाजवाब है, टेस्टी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।